हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये टॉपिक जो है वो देखा जाए तो बहुत सारे आप लोगों के जो कोर्सेज हमें यूज होता है, चाहे हम NTUGC नेट की बात करें, चाहे आप MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, BCOM कर रहे हो, MCOM कर रहे हो, सभी में आपको ये जो टॉपिक है वो देखने को मिलेगा। द नेम ऑफ टॉपिक इज टैलेंट मैनेजमेंट, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं NTUGC नेट की बात करूं तो यूनिट थ्री पेपर टू में जो है उसका ये टॉपिक है आपका स्ट्रैटेजिक HRM का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो, बिकॉज जो टैलेंट मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं हम सब में ही छुपा हुआ जो टॉपिक है वो निकाल कर इन्होंने पन्नों पर रख दिया है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, प्रोसेस, टाइप, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, इवन वी कैन ऑल्सो लर्न अबाउट वॉट इज द टैलेंट, टैलेंट क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है ना, कौन कौन सा ऐसा एक ब्रिज जो है वो ब्रिज कौन सा बना हुआ है इस टैलेंट मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी प्रोसेस रिलेटेड सिक्वेंसिंग क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है टैलेंट को समझना कि टैलेंट क्या होता है। हम सभी जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी पर्सन को रिक्रूट कराया जाता है या किसी पर्सन को एंटर करवाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके टैलेंट के बेस पर ही उसे लिया जाता है, टैलेंट के बेस पर लिया जाता है। बट व्हाट इज द टैलेंट, आखिर टैलेंट है क्या, किस बेस पर उसे लिया जाता है? तो मैकिन्से ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया है कि टैलेंट और कुछ नहीं है, किसी पर्सन के अंदर की जो एबिलिटी होती है, उसके अंदर का जो इंट्रेंसिक गिफ्ट्स होता है, लाइक उसका जो सिक्स सेंस होता है, उसकी स्किल्स, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, उसकी इंटेलिजेंसी, उसका जजमेंट, उसका एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर, उसका ड्राइव किसी चीज़ को देखने का, उसका तरीका, कैसे वो चीज़ों को लर्न करता है, कैसे अपने आप को ग्रो करता है, ये सब कुछ मिलकर जो है वो टैलेंट बन जाता है ना। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बता दिया है कि एक इंसान के अंदर की नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी, उसकी खुद की सिक्स सेंस, उसका एक्सपीरियंस, उसकी लर्निंग एबिलिटी, सब कुछ मिलकर आपका टैलेंट बन जाता है। और ये वही टैलेंट होता है जो उसके पोटेंशियल को इनहेंस करता है और उसका जो पोटेंशियल है उसे फ्यूचर के लिए तैयार करता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अभी अगर वो इस पोजिशन पर है तो यहां तक पहुंचने के लिए उसे जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है वो स्किल्स ही हमारा टैलेंट है, ठीक है, वो स्किल्स ही हमारा टैलेंट है। नाउ व्हाट इज स्ट्रैटेजिक टैलेंट मैनेजमेंट? तो आज की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो इसके चलते हर कोई चाहता है एक कैपिटल। व्हाट दे वांट, ह्यूमन कैपिटल। क्या उसका मतलब निकला? एक ऐसा कैपिटल चाहिए जो उसके लिए सक्सेसफुली वर्क कर सके, सक्सेसफुली उसके लिए काम कर सके, ऐसा एक पर्सन जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर भी आपको बताई गई है कि ह्यूमन कैपिटल यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सो टैलेंट मैनेजमेंट भी हमको यही बताता है कि टैलेंट मैनेजमेंट यहाँ पर आपके जो वर्कर हैं या जो वर्क प्लेस है उनके बीच में क्या इक्वेशंस क्रिएट हो रही है वर्कर और वर्क प्लेस में, वही हमारा टैलेंट मैनेजमेंट है जिससे हम आगे के लिए तैयार रहें, ठीक है। सो टैलेंट मैनेजमेंट is a systematic process, ये एक systematic process है of identify the vacant position, जो vacant position को identify करती है, hiring the suitable persons को hire करती है, developing the skills को develop करती है, expertise the person को तैयार करती है to match the position and retaining him to achieve the long term business objective, जिससे कि वो अपने long term business perspectives के लिए अपना जो एम्प्लॉई है उसे तैयार कर ले और मतलब एक हायर अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा तैयार रख सके, वही है हमारा टैलेंट मैनेजमेंट। समझ में आया? तो टैलेंट मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा टैलेंट को तैयार किया जाता है फ्यूचर प्रस्पेक्टिव के लिए। ओके, चलिए तो ये देखिए यहाँ पर कुछ की एरियाज बताए गए हैं टैलेंट मैनेजमेंट के लिए। वो की एरियाज कौन कौन से है? क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स एंड वैल्यूज पीपल। मतलब यहाँ पर आप चीजों को क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बरकरार रह सके। आइडेंटिफाई द फ्यूचर नीड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर की नीड को पता करते हैं, डेवलप करते हैं इंडिविजुअल को, और अगर इंडिविजुअल के अंदर वो नीड नहीं होती है
तो उस नीड को उसके अंदर फिल किया जाता है, क्योंकि तभी तो जो टारगेट है उस टारगेट तक आप पहुंच पाएंगे। समझ में आया? पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के परस्पेक्टिव से हम टैलेंट देख रहे हैं, दूसरा फ्यूचर की नीड को फुलफिल करने के लिए हम टैलेंट देख रहे हैं। डेवलपिंग अ पूल ऑफ टैलेंट पीपल हु कैन सप्लाई द फ्यूचर जॉब नीड, हमारी फ्यूचर की नीड को फुलफिल करने वाला जो है वो एक ऐसा टैलेंटेड पर्सन हम यहाँ पर सप्लाई करवाते हैं। एस्टैब्लिशिंग वे टू कंडक्ट एंड मैनेज एक्टिविटी टू सपोर्ट टैलेंट डेवलपमेंट, यहाँ पर कुछ तरीका है जो लाइक एस्टैब्लिशिंग वे, एक तरीका जो है वो तैयार करते हैं, एक सपोर्ट तैयार करते हैं कि हमारा टैलेंट जो है वो डेवलप हो सके और फ्यूचर के लिए तैयार हो सके। तो ये कुछ की एरियाज है। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर सिंपल सी बात की जाए, गैप को फिल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल की वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए, फ्यूचर की जॉब के लिए तैयार करने के लिए और टैलेंट को डेवलप करने के लिए, ये चार जो है वो एरियाज हो गए जिसके लिए हम हमारे टैलेंट को यूज करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टैलेंट मैनेजमेंट ब्रिज। व्हाट इज ब्रिज? ब्रिज एक पुल है, कैसे हम कहां तक पहुंच रहे हैं, मतलब जो हमारी डिमांड है उस डिमांड तक हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड तक, तो कैसे पहुंचेंगे। आप कह सकते हो कि ये ना प्रोसेस भी है, ऑल्दो मैं प्रोसेस अभी अलग से आपको बताऊंगी, ये प्रोसेस की स्टेप्स हैं जो आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। इवन सीक्वेंस के जो ऊपर क्वेश्चन आता है वो भी इसी से आता है, कि सबसे पहले सिलेक्शन, पर्सन का सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद रिक्रूटमेंट, फिर पर्सन का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद उसके करियर को प्लान किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, सक्सेशन प्लानिंग की जाती है यानी कि फ्यूचर के लिए उसे प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, उसको रिटेन किया जाता है, एंड देन जो क्वालिफाइड वर्कफोर्स है उसको हमारी डिमांड सप्लाई का जो ग्राफ है उसके साथ मैच किया जाता है। एक पर्सन आया, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा टफ नहीं है। एक पर्सन आया, पर्सन को हमने सिलेक्ट कर लिया, उसको हमने रिक्रूट कर दिया, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, उसका करियर बढ़ाया, उसको एचआर लाइक उसका डेवलपमेंट किया, उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया, सक्सेशन प्लानिंग, उसका परफॉर्मेंस चेक किया यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल्स वाला जो फंडा है उसे लेकर आए, रिटेंशन किया, और फिर उस क्वालिफाइड पर्सन को हमने सप्लाई डिमांड के साथ में मैच कर दिया। तो ये हमारा टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस भी है, एक ब्रिज भी है कि कैसे आपका वो जो गैप है वो फिल होता है। नाउ इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट किसे कहोगे? इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है राइट पर्सन, राइट कैपेबिलिटी वाला पर्सन राइट टाइम पर राइट प्लेस पर पहुंच जाए तो हमारा इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट सामने आएगा। समझ में आया? राइट पर्सन, राइट कैपेबिलिटीज वाला, मतलब राइट स्किल्स वाला राइट टाइम पर राइट प्लेस पर पहुंच जाए तो दैट कम्स अंडर द इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट, राइट। चलिए अब आ जाओ टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल मिस मत करना। देखो टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस किसे कहते हैं? टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल। देखो, प्लानिंग, अट्रैक्टिंग, सिलेक्टिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग एंड ट्रांजिशनिंग, ठीक है। यहां से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज हमारे इस पूरे प्रोसेस को कवर करती हुई परफॉर्मेंस और उसके आउटकम की तरफ पहुंचती है। तो पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर लोगों को यानी कि हम अट्रैक्ट करते हैं कि कैसे हम अपने टैलेंट को अट्रैक्ट करें, उसमें से हम पर्सन को सिलेक्ट करते हैं। लाइक मैंने एक पूरा प्रोसेस तैयार कर लिया कि मुझे इतने इतने पर्सन रिक्वायर्ड है, इतनी स्किल्स वाले, तो उसकी प्लानिंग की, उनको अट्रैक्ट किया, है ना, फिर हमने उनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उनके अंदर डेवलपमेंट लेकर आएंगे, है ना। डेवलपमेंट का क्या मतलब हो गया कि एक तरह से हम डेवलपमेंट लेकर आएंगे, डेवलपिंग का क्या मतलब हो गया कि हम उनके अंदर कुछ चीजों को फिल करवा रहे हैं, है ना, जो हमें स्किल्स रिक्वायर्ड है हम उसको फिल करवा रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको रिटेन कर रहे हैं, ठीक है। रिटेन करने का मतलब हम उसको अपने पास रोकने के लिए जो प्रोसेस हो सकती है वो प्रोसेस करते हैं, और फिर हम उसे क्या करेंगे, ट्रांजिशनिंग। ट्रांजिशनिंग का मतलब क्या हो गया कि हम उसको एक तरह से अपने अंदर तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के प्रस्पेक्टिव के लिए। ये है सिंपल सी प्रोसेस। देखो इसमें मैं आपको सिंपल से स्टेप्स बताती हूँ। देखो प्लानिंग, प्लानिंग एक इनिशियल स्टेप्स होती है टैलेंट मैनेजमेंट की, जिसमें आप सबसे पहले अपने जो कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल है
उसकी रिक्वायरमेंट को आप आइडेंटिफाई करोगे, है ना, ह्यूमन कैपिटल की आइडेंटिफाई कर लिया, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, की रोल्स तैयार करते हैं, और फिर जो हमारा वर्कफोर्स है उसको आप रिक्रूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर प्लानिंग के बाद सेकंड है अट्रैक्टिंग, कैसे आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ तो आपने प्लान कर लिया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे पर्सन चाहिए, इस रोल वाला चाहिए, अब आप उसको कैसे अट्रैक्ट करोगे। तो डिसाइडिंग वेदर द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी इंटरनल और एक्सटर्नल, कोई भी सोर्स हो सकता है उसको आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सुटेबल इंडिविजुअल्स के थ्रू आप क्या करते हो, वेकेंट पोजिशन को फिल करने के लिए आप करते हो, क्या करोगे, आप डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब पोर्टल्स का यूज करते हो, जिसमें आप अपने रिक्वायर्ड जो स्किल्स हैं वो आप वहां पर पोस्ट कर देते हो, जैसे कि Naukri.com, टाइम्स, जो मैं आपने यहाँ पर जॉब स्किल्स मेंशन कर दी एंड आपने पोजीशन मेंशन कर दी कि ये पोजीशंस के पर्संस मुझे रिक्वायर्ड है, और वो उसके थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, है ना। सोशल नेटवर्किंग में जैसे कि LinkedIn, ट्विटर, इन पर भी आप अपने पोस्टिंग कर सकते हैं जॉब से रिगार्डिंग। अट्रैक्ट किया पर्सन, अट्रैक्ट करने के बाद फिर आप सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की प्रोसेस करते हो, तो शेड्यूल करते हैं रिटन टेस्ट और इंटरव्यूज, है ना, और फिर इसके बाद आप अपने कैंडिडेट की प्रोफाइल से मैच करके बुला लेते हैं। फिर हम करते हैं डेवलपिंग, ये वो स्टेज होती है जहां पर आप अपने पर्सन को क्रिएट करते हो ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से, तो यहाँ पर ऑनबोर्ड कर देते हैं, ऑनबोर्ड प्रोग्राम, या फिर आप कह सकते हो ऑरिएंटेशन प्रोग्राम आप करते हो जब आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद, ठीक है, उसकी स्किल्स, एप्टीट्यूड, प्रोफिशिएंसीज, उन सबको प्रोफाइल के साथ प्रॉपर तरीके से मैच करवाते हैं, जहां रिक्वायरमेंट है वहां ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जॉब रोटेशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, गाइडलिंग देते हैं, तो वही सारी प्रोसेस आप यहां पर करेंगे डेवलपिंग। फिर हम क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, रिटेन मतलब रोक कर रखना ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द लॉन्ग टाइम, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है, तो आप उन्हें प्रमोशंस देते हैं, इंक्रीमेंट्स देते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं, उनको डिफरेंट पार्टिसिपेट जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें इन्वॉल्व कराते हैं, है ना, स्पेशल प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, न्यू स्किल्स उनके अंदर इन्हेंस कराते हैं, और उनका खुद का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और उसको और ज़्यादा बढ़ाते भी हैं। तो रिटेनिंग मतलब रोकने के लिए क्या क्या तरीके आप यूज कर सकते हो, वही सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाती है, ठीक है। अब आती है बात ट्रांजिशनिंग, है ना, ट्रांजिशनिंग टैलेंट मैनेजमेंट एम एट ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन विजन। वही बात आ गई कि मैंने अपना एक स्टैंडर्ड तैयार करके रखा हुआ है, मुझे यहां तक पहुंचना है, मान लीजिए ये स्टैंडर्ड है 90, तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या चेंजेस लाने हैं, वो चेंजेस जो हैं दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक न्यू स्किल्स रिक्वायर्ड है तो वो न्यू स्किल्स मैं अपने अंदर लेकर आऊंगी, कोई एबिलिटी रिक्वायर्ड है तो उस एबिलिटी को लेकर आएंगे, कहीं से कोई ट्रेनिंग चाहिए तो वो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल करवाएंगे जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो सके एम्प्लॉयज का। तो किसके थ्रू होगा, आप डिफरेंट बेनिफिट्स, जैसे आपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स पता है कि भाई आप कंपनी में अगर रुकोगे तो यू विल गेट दैट काइंड ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। आप जो ट्रांसफॉर्मेशन और कहाँ से मिल सकता है, एग्जिट इंटरव्यूज, जो पर्सन जॉब छोड़कर जा रहा है उस पर्सन का आप इंटरव्यू लेते हो और उससे पूछते हैं कि भाई क्या वजह है जिसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वो जो वजह बताएगा वो आप उसको सुधार के अपने जो टैलेंटेड पर्सन है उनको आगे के लिए रोक सकते हैं। सक्सेशन प्लानिंग या फिर इंटरनल प्रमोशन के थ्रू भी आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन करके आप उन्हें रोक सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जो मैंने आपको प्रोसेस बताई अभी ना, ये वाली समटाइम ना आपको एग्जाम में वर्डिंग्स अलग आ सकती है जब सिक्वेंस का आता है, तो वर्डिंग कुछ इस तरह से भी हो सकती है, वर्कफोर्स प्लानिंग, रिक्रूटिंग, ऑनबोर्डिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस सपोर्ट, सक्सेशन प्लानिंग, कंपनसेशन बेनिफिट, क्रिटिकल स्किल्स एंड गैप एनालिसिस। तो ये भी वर्डिंग हो सकती है, इसलिए इस डायग्राम को भी मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक प्रोसेस है, ये आपको आ सकता है वर्डिंग्स में, या फिर जो मैंने अभी आपको बताया उस तरह से भी वर्डिंग्स आ सकती है, वो जो हमने ब्रिज वाला किया था उस तरह से भी वर्डिंग्स आ सकती है। स्टेप सबकी वही है, सक्सेशन प्लानिंग होगा, गैप एनालिसिस होगा, सब कुछ होगा, बट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट की स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब टैलेंट मैनेजमेंट आपका दो तरह का होता है, ठीक है।
टैलेंट मैनेजमेंट जो होगा वो दो तरह का होगा, ये डिपेंड करता है कि किसके अंदर कितनी एबिलिटी है। एक को हम कहते हैं यूनिडाइमेंशनल टैलेंट और एक को हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल टैलेंट। ये डिपेंड करता है कि कैसा पर्सन किस तरह का है। जैसे कि यूनिडाइमेंशनल टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो अपनी एक पर्टिकुलर स्किल्स में मास्टर होते हैं, ठीक है, आप बस इतना समझ लो, आप पर्टिकुलर स्किल्स, दिस इज द कीवर्ड, कुछ जो होते हैं वो पर्टिकुलर स्किल्स में मास्टर होते हैं। यूनी का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है, और मल्टी का मतलब बहुत सारे, ऐसे आप समझ लो। तो यूनी का मतलब हो गया वन, कि एक पर्टिकुलर स्किल्स में वो मास्टर है, एक पर्टिकुलर एबिलिटी में वो मास्टर है। जैसे कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में बेस्ट होते हैं तो कुछ सेल्स में बेस्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस में, लाइक कोई किसी फील्ड में बेस्ट है तो किसी फील्ड में बेस्ट है। कहने का मतलब ये है कि एक स्किल्स उसके ऐसी होती है जो बेस्ट होती है ना। सिंगुलर टैलेंट वाले जो पर्सन होंगे, एक स्किल्स जो जिसके अंदर बेस्ट होती है, वो पर्सन आपके कहलाएंगे यूनिडाइमेंशनल टैलेंट, ठीक है, क्या कहलाएंगे वो, यूनिडाइमेंशनल टैलेंट, ठीक है, सिंगल वाला। वही कोई कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉयज भी होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा टैलेंट होता है, एक से ज्यादा टैलेंट होता है, मल्टीपल स्किल्स जिसके अंदर होती है। कोई प्लानिंग बहुत अच्छा कर सकता है तो उसके साथ ही साथ वो लोगों को अट्रैक्शन भी बहुत अच्छा कर सकता है ना, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दे सकता है, लाइक सेल्स के साथ साथ वो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब मल्टी टास्किंग पर्सन है वो, उसके पास मल्टी डायमेंशनल टैलेंट अगर मौजूद है, एक से ज्यादा स्किल्स मौजूद है, तो दे कम्स अंडर द मल्टी डायमेंशनल टैलेंट, ठीक है। तो यूनिडाइमेंशनल टैलेंट एंड मल्टी डायमेंशनल टैलेंट, यहीं पर इसको बोला जाएगा, क्लियर है। एक स्किल्स है तो यूनिडाइमेंशनल और दो स्किल्स है तो मल्टी डायमेंशनल। चलिए, नाउ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। तो अगर इसके फंक्शंस देखे जाएं तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लाइक क्या क्या हमको इसकी मदद से मिल रहा है। तो इसकी मदद से हम हाई परफॉर्मेंस वर्कफोर्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं हाई पोटेंशियल्स के लिए, उनको रिटेन कर सकते हैं, है ना। ट्रेनिंग की हमें रिक्वायरमेंट पता चल जाती है इसके थ्रू, आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करा सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करा सकते हैं, अनट्रेंड पर्सन को ट्रेंड करवा सकते हैं, अनस्किल्ड वर्कफोर्स को आप अपना वेस्टेज कम करके बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, है ना। टाइम कमिटमेंट जो भी है हो रही है, एरर हो रहा है, या फिर जो नो कॉस्ट इफेक्टिव पर्सन है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर रिटेन कर सकते हैं पर्सन को, ग्रोथ को इंश्योर करा सकते हैं और स्किल्स को डेवलप करा सकते हैं, कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करा सकते हैं। तो ये कुछ हमें बेनिफिट मिलते हैं टैलेंट मैनेजमेंट की मदद से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि पूरा टैलेंट मैनेजमेंट आखिर है क्या, ठीक है, टैलेंट क्या होता है, टैलेंट मैनेजमेंट क्या है, एरियाज क्या है, ब्रिज क्या है, इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट किसे कहेंगे, प्रोसेस क्या होगी इसकी, और साथ ही साथ टू टाइप्स के जो टैलेंट मैनेजमेंट है वो कौन से होंगे और इसके फंक्शंस कौन से होंगे। So this is all about today, guys. Thank you so much. Or if you like the video, then आप इसको like जरूर कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए channel को, first time है तो bell icon जरूर press कीजिएगा, और telegram join कर लीजिएगा जिससे आपको upcoming जितने भी videos हैं उन सबकी आपको informations मिल जाएगी, playlist के आपको links मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर available होंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ जाइएगा। Okay guys, keep study hard with smart. All the best. Take care. मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक कीप स्टडी, ऑल द बेस्ट।